स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर दीदी अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप पहले से ही DNRLM में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंच सूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वरीयता भी मिलती है। तो चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, आपको बता दे दीदी कि प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी महिलाएं परेशान हैं, तो वीडियो को छोड़ के ना जाए, अंत तक देखती रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा, आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना किसे मिलेगा और इसका लाभ कैसे मिलता है, इसकी सभी जानकारी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे। यह योजना देश के सभी बेघर लोगों को घर दिलाने के लिए शुरू किया गया है। पहले यह योजना देश के गरीबों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब इसका लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को भी मिल रहा है और सरकार का यही उद्देश्य है कि सभी के पास उनका खुद का मकान हो, जिससे वह किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इस योजना के लिए दीदी आवेदन करके देश के नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं। सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है, इसके माध्यम से उन्हें होम लोन भी दिया जाता है और साथ ही सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा, इसके तहत आपको सभी जानकारी प्रदान किया जाएगा, जिससे आप इस योजना का पूरा लाभ ले पाएंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा, सरकार द्वारा यह योजना गरीबों को घर दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि देश में हर किसी के पास घर हो, कोई भी बेघर ना हो। पहले इस योजना का लाभ केवल गरीबों को दिया जाता, लेकिन अब इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस योजना का पात्र माना गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से होम लोन भी लिया जा सकता है। जी हाँ दीदी, होम लोन भी लिया जा सकता है, जिसमें सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पहले होम लोन 3 से 6 लाख रुपए दिया जाता है, फिर इस योजना में शहरी क्षेत्र के माध्यम से वर्ग के लोगों को भी शामिल किया गया, तो होम लोन की रकम को बढ़ाकर 18 लाख किया गया। अब इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थी फ्लैट भी खरीद सकते हैं। इस योजना के माध्यम से अब कोई भी परिवार बेघर नहीं होगा और हर किसी के पास पक्का मकान होगा। पात्र नागरिक अभी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें 2022 तक, जी हाँ अभी स्टार्ट हुआ है 2022, और 2022 के अंत तक सरकार का उद्देश्य को बता दें 2022 तक सरकार का उद्देश्य है कि वे सभी को आवास योजना का लाभ प्रदान करेंगे। बता दें ऐप द्वारा भी PMAY के लिए आवेदन कैसे करें। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऐप द्वारा आवेदन करना चाहती हैं दीदी, तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और आवास ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन आईडी बना है
लेना होगा जिससे आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद आपको कुछ जानकारी मांगी जाएगी, उन सभी जानकारी को भरना है। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन भरना है। आवेदन भरने के बाद सरकार पात्र लाभार्थियों का चयन करते हैं और उनका नाम PMAY लिस्ट वेबसाइट में डाल दिया जाता है। उसके बाद आप अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा इसकी सभी जानकारी हमने आपको दे दिया है दीदी। जो नागरिक अभी तक इसका लाभ नहीं लिए हैं वे आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आप लिस्ट कैसे देख सकते हैं इसकी जानकारी भी दिया गया है, तो आप उसका अवलोकन अवश्य करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2015 में किया था और 2022 तक यह खत्म हो जाएगा। इसका लाभ लाखों परिवार ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो जल्द आवेदन करें। सरकार का लक्ष्य सभी बेघर को घर दिलाना है। गरीबों के लिए यह योजना लाभदायक है, वे इसका अवलोकन अवश्य करें और अपना आवास घर प्राप्त करें। यहाँ और भी योजनाओं की जानकारी दिया गया है जिससे आपको लाभ मिल सकता है, आप उसका भी अवलोकन अवश्य करें। अवलोकन के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। जी हाँ दीदी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। सरकार द्वारा यह योजना गरीबों को घर दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि देश में हर किसी के पास घर हो, कोई भी दीदी बेघर ना हो। पहले इस योजना का लाभ केवल गरीबों को दिया जाता था, जो बिल्कुल गरीब होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है दीदी। अब जो है इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस योजना का पात्र माना गया है, क्योंकि वो कमा तो लेते हैं बस खाने तक और घर बनाने तक पैसा उनके पास नहीं होता है, इसलिए इस योजना का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 दीदी आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसी दीदियां हैं जिसके पास अपना घर नहीं है। अगर उनको घर दिलाना है और किसी गरीब का सहयोग करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जितनी दीदियों के पास जाएगा सभी दीदियां जानकारी मिलेगी और लाभ उठा पाएंगी। तो ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय आजीविका।